हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज की फ्रेश वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यू यूट्यूब चैनल के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप भी सोचते हैं कि आपको भी यूट्यूब के ऊपर आके नाम और पैसा दोनों कमाना है, तो अगर आप सोचते हैं कि आपको भी अपना एक YouTube चैनल बनाना है, लेकिन अगर आप कंफ्यूज हैं कि कौन से टॉपिक के ऊपर आपको अपना चैनल बनाना चाहिए, किस टाइप की वीडियोस आपको अपलोड करनी चाहिए, तो आज की इस वीडियो में हम उसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो मेरे इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, बिल्कुल भी इस वीडियो को मिस ना करें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन प्रकाश और आप देख रहे हो ज्ञान। तो दोस्तों, अगर आप भी सोचते हैं कि आपको भी YouTube के ऊपर आके नाम कमाना है, पैसा कमाना है, अगर आप सोचते हैं कि आपको भी अपना एक YouTube चैनल बनाना है, लेकिन अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपको कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनानी चाहिए, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स बताने वाला हूं जिनके ऊपर अगर आप वीडियोस बनाते हैं, जिनके ऊपर अगर आप अपना चैनल बनाते हैं, तो आपको 100% व्यूज आते रहेंगे। ऐसे बेस्ट टॉपिक्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जिनके ऊपर हमेशा अच्छे खासे व्यूज आते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत सारी टिप्स देने वाला हूँ, बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिससे आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। तो मेरी इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा जरूर देखिए। तो देखिए दोस्तों, टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं जिनके ऊपर आप वीडियोस बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ एक ऐसे टॉपिक आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जिनके ऊपर अगर आप वीडियोस बनाते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे खासे व्यूज यहाँ पे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं न्यूज रिपोर्टिंग के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपको थोड़ा बहुत शौक है न्यूज रिपोर्टिंग करने का, तो यहाँ पे आप यूट्यूब के ऊपर न्यूज रिपोर्टिंग कर सकते हैं। यूट्यूब से रिलेटेड अगर आप वीडियोस बनाएंगे, या फिर जितने भी बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं, अगर आप उनकी लाइफ के बारे में बताएंगे, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, यूट्यूबर्स की लाइफ में क्या चल रहा है, यूट्यूब में क्या चल रहा है, अगर आप इन चीजों के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे खासे व्यूज मिल जाएंगे। उसके बाद अगर आपको अपनी लाइफस्टाइल दिखाने का शौक है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है उसको दिखाने का अगर आपको थोड़ा बहुत शौक है, तो आप अपनी लाइफ के ऊपर वीडियोस बना सकते हैं, ब्लॉग बना सकते हैं। ब्लॉग्स के अंदर आपको बहुत तरह के ब्लॉग्स मिल जाएंगे, जैसे कि मोटो ब्लॉग्स, ट्रैवल ब्लॉग, फूड ब्लॉग, लाइफस्टाइल ब्लॉग, आप किसी भी तरह के वीडियोस बना सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर सकते हैं, अपनी लाइफ को यहाँ पे दिखा सकते हैं। उसके बाद अगर आपको थोड़ा बहुत जो है कॉमेडी का शौक है, तो आप यहाँ पे कॉमेडी का चैनल भी बना सकते हैं। कॉमेडी के चैनल आज के टाइम में बहुत अच्छे कर रहे हैं और काफी ज्यादा व्यूज कॉमेडी के चैनल के ऊपर आते हैं। रिव्यूज चैनल्स, तो दोस्तों बहुत सारे लोग जो है अपने चैनल के ऊपर प्रोडक्ट्स को रिव्यू करते हैं, एप्लीकेशंस को रिव्यू करते हैं, सॉफ्टवेयर का रिव्यू करते हैं। तो दोस्तों, आप भी रिव्यू वाला चैनल बना सकते हैं जिसके अंदर आप नए नए स्मार्टफोन्स को रिव्यू कर सकते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप्स को रिव्यू कर सकते हैं, और भी बहुत तरह तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको आप रिव्यू करके लोगों को दिखा सकते हैं। और इन सभी चीजों के बारे में जो लोग सर्च करते हैं, क्योंकि जब भी कोई भी सामान नया लेना चाहते हैं, ऑनलाइन अगर सामान खरीदना चाहते हैं, तो वो सबसे पहले रिव्यू चेक करता है। तो यूट्यूब के ऊपर बहुत ज्यादा जो है सर्चिंग इससे रिलेटेड जो है की जाती है। ट्यूटोरियल चैनल, तो दोस्तों अगर आपके पास किसी भी चीज के बारे में नॉलेज है, चाहे वो फोन के बारे में हो, लैपटॉप के बारे में हो, कंप्यूटर के बारे में हो, किसी भी चीज का अगर आपके पास नॉलेज है, उसको आप अपनी वीडियोस के अंदर शेयर कर सकते हैं, लोगों को आप सिखा सकते हैं कैसे आप अपने मोबाइल फोन को यूज कर सकते हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कैसे यूज कर सकते हैं, वो आप लोगों को सिखा सकते हैं अपनी वीडियोस के थ्रू। इसके ऊपर जो है आपको रेगुलर जो है व्यूज आते रहते हैं। नॉलेज शेयरिंग चैनल, तो दोस्तों अगर आपके पास किसी भी फील्ड का नॉलेज है, चाहे वो मार्केटिंग का हो, डिजिटल मार्केटिंग का हो, इंटरनेट का हो, या फिर किसी भी फील्ड का अगर आपके पास नॉलेज है, उसको आप अपनी वीडियोस के थ्रू जो लोगों तक पहुंचा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, क्योंकि नॉलेज के बारे में जो है यहाँ पे बहुत सारे लोग सर्च करते रहते हैं कि किस फील्ड के अंदर वो कैसे काम कर सकते हैं, कैसे उसके अंदर सक्सेस हो सकते हैं। तो इस चीज के बारे में जो लोग सर्च करते रहते हैं यूट्यूब के ऊपर, तो अगर आप नॉलेज शेयरिंग वाले जो चैनल बनाते हैं, तो आपके चैनल जो काफी अच्छे चलने वाले हैं। सिंगिंग रिलेटेड चैनल, तो दोस्तों अगर आपको सिंगिंग आती है या फिर आप सिंगिंग सिखाना चाहते हैं, तो आप लोगों को सिंगिंग सिखा सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट बजाना सिखा सकते हैं, इस टाइप के जो चैनल है वो काफी ज्यादा चलते हैं। एजुकेशन चैनल, तो दोस्तों अगर आपको मैथ, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस के बारे में अगर आपके पास नॉलेज है, तो आप लोगों को उसके बारे में सिखा सकते हैं। आप फिजिक्स केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल करके दिखा सकते हैं, मैथ्स के क्वेश्चन आप सॉल्व करके दिखा सकते हैं, इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं उसको आप यहाँ पे सिखा सकते हैं वीडियोज के थ्रू। तो आप किसी भी एजुकेशन से रिलेटेड कोई किसी भी सब्जेक्ट की जो है आप वीडियोस बना के यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि लोग जो है बुक से जो है इंटरनेट के ऊपर आ रहे हैं, और लोग जो है यूट्यूब के ऊपर लोग सीखना चाहते हैं किसी प्रैक्टिकल को कैसे कर सकते हैं, किसी क्वेश्चन को कैसे जो है सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वीडियोज के थ्रू लोग जो है अच्छे से समझ पाते हैं। तो देखिए दोस्तों, चैनल आप किसी भी तरह का बना सकते हैं, किसी भी टॉपिक के ऊपर बना सकते हैं, लाखों करोड़ों टॉपिक जो है यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप अपना एक चैनल बनाना चाहते हैं, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन सी जो है सबसे बेस्ट आती है, उसी चीज के ऊपर अगर आप वीडियोस बनाएंगे, तभी आपका जो चैनल अच्छे से चल पाएगा। अगर आप किसी भी टॉपिक के ऊपर जो है किसी को देख के जो है कोई टेक्नोलॉजी का अच्छा कर रहा है, तो टेक्नोलॉजी का चैनल बना लिया, कोई ब्लॉग्स कर रहा है तो आप ब्लॉग का चैनल बना ले, कॉमेडी का कर रहा है तो कॉमेडी का चैनल बना ले। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, ऐसे चैनल बिल्कुल भी नहीं चलेंगे कि आपने जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट है नहीं, उसके ऊपर आपने चैनल बना लिया, तो वो चैनल बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। उस टाइम के बाद जो आपका इंटरेस्ट वहां पे खत्म हो जाएगा और आपका चैनल भी वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो जिस चीज के अंदर आपको इंटरेस्ट है, उसी चीज के ऊपर जो है अपना आप चैनल बनाएं।
तो दोस्तों अगर आपको पता है कि आपको किस टॉपिक के ऊपर अपना चैनल बनाना है तो उसके बाद जो है आपको अपने चैनल का नाम डालना पड़ेगा। तो जिस टॉपिक के ऊपर जो आप चैनल बनाना चाहते हैं तो उसी से रिलेटेड जो आपको अपने चैनल का नाम डालना चाहिए, काफी अच्छा रहता है। लेकिन दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि जिस टॉपिक के ऊपर आप वीडियोस बनाते हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड आपका चैनल का नाम होना चाहिए। आप कुछ और भी रख सकते हैं, किसी दो तीन वर्ड को जोड़ तोड़ के जो है आप एक अच्छा सा नाम बना के रख सकते हैं, या फिर आप अपना खुद का भी नाम रख सकते हैं। लेकिन आपके वीडियोस के अंदर बिल्कुल सेम कंटेंट होना चाहिए। अगर आपकी वीडियोस के अंदर अलग अलग कंटेंट होगा तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और लोगों को देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, तो लोग आपके चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जिस टाइप की आप वीडियोस अपलोड करते हैं उसी टाइप की रेगुलर जो है आपको वीडियोस अपलोड करनी चाहिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, कैसे आप अपने चैनल के लिए अच्छा टॉपिक चुन सकते हैं। अगर आपको कुछ और अगर आपका सवाल होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, मैं उसके ऊपर आपको वीडियोस बना के दे दूंगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आता है मुझे लाइक करके बता सकते हैं, और अगर आप आना चाहते हैं ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको रिस्पॉन्स के मेरी अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। और दोस्तों कैसे आपको वीडियो लगी अगर आपका कोई सवाल था मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं दूंगा आपकी कमेंट का जल्द से जल्द रिप्लाई। लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, शेयर कीजिए मेरे सभी फ्रेंड्स के साथ, और दोस्तों सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर मेरे को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।